हेलो स्टैंड न्यू प्रभात सैनी सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ एंड चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 6q + 3 और 6q + 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अब सबसे पहले आप यूक्लिड थ्योरम को एक बार रिमाइंड करो, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो आर होता है वो हमेशा बी से क्या होता है, छोटा, तभी वो रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है इस रूल को। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पर बी क्या दिया हुआ है हमें, सिक्स, बी क्या दिया हुआ है, सिक्स, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 6q + r। अब ये कह रहा है फॉर सम क्यू, सम इंटीजर क्यू ग्रेटर देन, और अगर ये क्यू जीरो से बड़ा है एंड जो आपका रिमाइंडर है मान लो क्या है, 1 2 3 4 5, बिकॉज ऐसा क्यों हमने रिमाइंडर 5 क्यों लिया, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमारा या तो r 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि अगर आप 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बच ही नहीं सकता, नहीं बच सकता ना, 6 से कम बच सकता है लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं बच सकता है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर वी गेट, अगर सपोज करो हम इसमें वैल्यू आर रखें, अगर हम आर इज इक्वल टू जीरो रखें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q + 0, और हमें ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6q। इसी वजह से हम 1 रखें तो 6q + 1 ए मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 6q + 2, 3 रखेंगे तो 6q + 3, इसी तरह से 6q + 4, इसी तरह से 6q + 5, इसी तरह से हमें मिलेंगे। तो अगर ए हमारा 6q + 2 इस तरह से होता है, देन 6q + 4 हो तो आप मान आपको मिलेगा, अगर आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगी एक वैल्यू, यहाँ पर 1 जीरो रखोगे तो 2 4, यानी कि हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा, और क्या होगा 2 से 2। और अगर एनी पॉजिटिव ऑड नंबर लें, एंड इफ एनी पॉजिटिव ऑड नंबर ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा एंड 6q + 5 हो जाएगा, यानी इवन नंबर के लिए इवन आएगा और ऑड नंबर के लिए ऑड आएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में, एन आर्मी कॉन्टिनेंट जॉइंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। अब देखो आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स एक परेड के अंदर, इतने टोटल इतने मेंबर्स हैं, उनमें से 32 मेंबर्स को बैंड के पीछे रहना है। द टू ग्रुप्स आर्मी टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, एक सेम नंबर के कॉलम में खाली दो ग्रुप क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कितने कॉलम बनेंगे अगर वो मार्च करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट कितना, 660। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर, आर्मी बैंड मेंबर कितने हैं, कितना आएगा, 32। इफ द टू
टू ग्रुप्स हैव टू मार्च इन द सेम कॉलम. देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें ऐसा ही लिखना है, ठीक है. सेम कॉलम वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम पूछा है इसमें. जब भी मैक्सिमम वर्ड यूज होता है तो हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ. एचसीएफ बिटवीन द टू ग्रुप्स हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ 616 and 32, ठीक है. गिव्स द इसी से हमें मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है. हम थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम. 616 इज ग्रेटर देन 32. 616 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स आएगा और हमें हमारे पास क्या बचेगा, 8. क्या बचेगा, 8. 8 हमारा क्या है, रिमाइंडर है. रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन अगेन अप्लाई यूजिंग लेमा डिवीजन. तो क्या लिखेंगे, 32 इज इक्वल्स टू 8 का टेबल कितनी बार बोलने पर 32 आता है, 4 बार. अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो क्या लिखेंगे, नाउ रिमाइंडर इज 0. सो एंड डिविजर इज 8. सो एचसीएफ ऑफ 660 and 32 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है. सो 8 कॉलम कैन बी फॉर्म इन विच दे कैन मार्च. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट.